अदा खान का दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत पर इस समय एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है, और आखिर क्या कहना है अदा खान का इस समय। और अदा खान जो कि सुशांत सिंह राजपूत का घर खरीदने के लिए गई थी, या फिर यूँ कह लीजिए कि रेंट पर घर ले रही हैं, वही घर जिसमें सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे, वही घर जिसमें उनके देहांत की खबरें आई थी। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों अदा खान अदा शर्मा वो घर खरीदने के लिए गई हैं, वो घर रेंट पर लेने के लिए गई हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं, अदा शर्मा वो घर खरीदने के लिए गई हैं सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें उनका देहांत हुआ था। दोस्तों वो घर जैसे जनता में ये सारी बातें सामने आई, मीडिया ने सुशांत के घर के बाहर ही अदा को पूरी तरीके से घेर लिया, जिसके बाद अदा बहुत क्लियरली ये बात कहती हैं। अभी हाल फिलहाल एक इंटरव्यू में उन्होंने सारी चीज़ें कही कि देखिए मेरी फिल्मों को लेकर आई माइट बी वोकल, मेरे फिल्मों के बारे में मैं लोगों को हमेशा देखती रहूँगी, बट इन माय पर्सनल लाइफ आई एम वेरी प्राइवेट, मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब लोगों को बताकर नहीं करना चाहती। बट जब मैं सुशांत का घर देखने के लिए गई तो इतना ज़्यादा मीडिया टेंशन, इतनी सारी पब्लिक वहाँ पर, और प्लस उसके बाद लोगों के कमेंट्स जिस तरीके के आ रहे थे, लोग ट्रोल कर रहे थे। अदा कहती हैं कि अगर लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें, मुझे ट्रोल करें, मुझे गलत बोले, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके विथ इट, मैं डील कर लूँगी उस चीज़ से। लेकिन आप लोग उसको बोल रहे हो जो कि इस दुनिया में नहीं है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और उसी के साथ साथ अदा ये भी कहती हैं कि भाई आई वुड ऑलवेज रिस्पेक्ट सुशांत एज एन एक्टर, और जो भी उनका ड्यू है, जो रिस्पेक्ट ड्यू है, वो मैं हमेशा उनको देती रहूँगी, हमेशा उनके रिस्पेक्ट करती रहूँगी। और जो भी जितने भी लोग कमेंट कर रहे थे और ट्रोल कर रहे थे, उन सभी लोगों को भी ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सुशांत वॉज द बिगेस्ट एक्टर वी कुड एवर हैव, तो उनको उस लेवल की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ना कि उनकी ट्रोलिंग होनी चाहिए। और अदा ये भी कहती हैं कि फ़िलहाल तो घर मैंने रेंट पर लेने का विचार ही किया है, लेकिन अगर आपको बता दूं तो फ़िलहाल मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन इंडिया के मिलियंस लोगों के दिल में मैं रेंट फ्री रह रही हूं। फ़िलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।